हेलो बच्चे, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बर्नौली सीरम इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ। ओके, सो हमें पता है कि जो बर्नौली सीरम है, इट इज एन आउटकम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड टू अ लिक्विड इन मोशन, राइट? ये थ्योरम क्या स्टेट करती है? दैट फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड, द टोटल एनर्जी, द सम ऑफ फ्रेश एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड फ्लो। तो बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन में बेस्ड है, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं कि बर्नौली सीरम इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है? तो ए भी गलत हो गया, सी भी गलत, डी भी गलत है, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग जो टोटल एनर्जी का सम होगा, दैट वुड बी, इसकी जो इक्वेशन होती है हमारे पास, पी बाय रो प्लस जी एच प्लस हाफ वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है? ये हमारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, दिस डिफाइंस एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो इन तीनों का सम क्या होगा? दैट वुड बी कॉन्स्टेंट। इसकी अलग फॉर्म भी होती है हमारे पास, एक और फॉर्म ये भी होती है, पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है? एक और हमारे पास फॉर्म होती है, पी प्लस रो जी प्लस एच प्लस हाफ वी स्क्वायर बाय जी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रेशर हेड, दिस इज ग्रेविटेशन हेड, दिस इज वेलोसिटी हेड, ठीक है? तो ये हमारा कॉन्सिक्वेंस हो गया कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी का। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।